Hello students, our next topic is net factor income from abroad, that is NFIA. Net factor income from abroad जो होता है बेटा, it refers to the difference between factor income received from rest of the world, जो भी factor income हमें receive हुई rest of the world से, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो फैक्टर इनकम हमने पे की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. इट मीन्स वी कैन राइट एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, जो भी हमने फैक्टर इनकम अर्न की एब्रॉड से, माइनस क्या कह सकते हैं फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड, जो भी हमने फैक्टर इनकम एब्रॉड को पेड की. अब बात ये आती है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड क्या होता है. देखो, हमने कहा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जो टेम्परेरी बेस पे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाइज कर रहा है, लेकिन वो जस्ट वहाँ पे अर्निंग पर्पस से रह रहे हैं, तो उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाएगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जहाँ से भी उन्होंने फैक्टर इनकम अर्न की नॉर्मल रेजिडेंट ने, वो क्या होगी हमारी फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड. तो क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है बेटा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्या होती है, इज द फैक्टर इनकम पेड टू, किसको पे की गई है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है अदर कंट्री के, मीन्स अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गए नॉन रेजिडेंट, जो हमारे देश में जो नॉन रेजिडेंट आए हुए हैं, वो जो यहाँ पे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या दी फैक्टर पेमेंट दी, तो उनके लिए क्या हो गई वो फैक्टर इनकम हो गई. तो जो फैक्टर इनकम एब्रॉड से एब्रॉड को हमें देनी पड़ेगी, मींस इट इज द फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट फॉर देयर फैक्टर सर्विस, ये हमने पे की और ये क्या थी हमने अर्न की थी. ठीक है, अब इनको और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो अर्न की गई रेजिडेंट के द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा, बट इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. हमने कहा कि ये वो वाली इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई, चाहे वो रेजिडेंट ने की चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने की. और नेशनल इनकम जो होती है ये वो इनकम होती है जो जेनरेट किसने की नॉर्मल रेजिडेंट ने, जो भी रेजिडेंट है उसने क्या की जेनरेट की.
inside domestic territory or outside domestic territory? नेशनल इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है, वो डजंट मैटर कि वो इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई या फिर आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई, होनी किसके द्वारा होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न होनी चाहिए। डोमेस्टिक इनकम जो है डजंट मैटर कि वो अर्न किसने की, रेजिडेंट ने की या नॉन रेजिडेंट ने की, वो होनी कहाँ पे चाहिए? इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। मीन्स क्या हुआ, रेजिडेंट ने अर्न की इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट ने अर्न की इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मतलब क्या हो गया, दीज बोथ कंसेप्ट आर सेम बट डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, नॉन रेजिडेंट ने अर्न की इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, मीन्स ये वो फैक्टर इनकम है जो कहाँ जाएगी, एब्रोड में जाएगी, मीन्स इट इज द फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये वो फैक्टर इनकम है जो एब्रोड में जाएगी, ठीक है, और ये वो फैक्टर इनकम है, इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो हमारे देश में आएगी, क्योंकि वो किसने अर्न की है, नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है, ठीक है। इसका मतलब क्या डिफरेंस रह गया, फीटा और फीफा का डिफरेंस रह गया, मीन्स डोमेस्टिक इनकम में जो फैक्टर इनकम टू एब्रोड है वो इंक्लूड है, और नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड है। इसका मतलब अगर ये डिफरेंस मिट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम को और नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो फीटा और जो फीफा है इनमें जो डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और यही हम पढ़ रहे हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक डिफरेंशिएटेड एलिमेंट है जो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब हम इसको और डीप डिस्कशन करते हैं। हमने ये कहा कि जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम मीन्स इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज द इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इट इज अर्न्ड बाई
नॉर्मल रेजिडेंट। डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम इंक्लूड होती है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई, लेकिन नेशनल इनकम जो है वो सब फैक्टर इनकम को इंक्लूड करती है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्न की गई, बट अर्न किसके द्वारा होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे बेटा डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट। पहले क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेट करेंगे। आपको पता है प्रोडक्शन मेथड से हमने जीडीपी एट एमपी निकाली थी पहले, एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, इसका मतलब पहले। और अगर हम बात करें इनकम मेथड की तो वहां पे भी डोमेस्टिक इनकम निकलती है, मीन्स पहले क्या निकलेगी, डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। तो फर्स्ट जो एस्टिमेशन होगा वो किसका हो गया, डोमेस्टिक इनकम का। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट थिंग है बेटा, अब हम ये कहेंगे कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। कब होगा, देखो अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो हमने अर्न किया वो ज्यादा है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो कम है, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अगर रिवर्स रहेगा तो एनएफआईए नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड के अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगी, एनएफआईए जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये जो एनएफआईए क्यों पढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है, हमें यही देखना है कि जो डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम जो है उसको हमने नेशनल अगर बनाना है तो जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, एनएफआईए का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि रेजिडेंट्स ने, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम अर्न की 200, और जो नॉन रेजिडेंट है उन्होंने इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम अर्न की 100, मीन्स डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई, 300 हो गई। नाउ नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी इनकम अर्न की थी, 100, और हमने कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट ने आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम अर्न की 300। इट मीन्स नेशनल इनकम कितनी हो गई, 500 हो गई। अब आप देखिए ये वाली दोनों चीजें तो सेम है, इसका मतलब देखो डोमेस्टिक इनकम कितनी है, 300, और नेशनल इनकम कितनी है, 500। तो जो फीटा और फीफा का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 200। तो जो एनएफआई है वो कितना हो गया, 200 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम में एनएफआई इंक्लूडेड है और जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। आए बात समझ में, तो हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम में अगर एनएफआई ऐड कर देंगे, मतलब 300 में अगर हम एनएफआईए कितना है, 200 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी 500। और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे एनएफआईए, कितना है ये, 200। ठीक है, तो ये क्या आप क्या थी, आपकी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या है, एनएफआईए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, एनएफआईए के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है वो देख लीजिए। देखो हमने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए।
फर्स्ट वन इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब ये नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है, देखो हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, डांसर, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मैशन, ये सब कहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे तो लोग ऐसे जो देश के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो एब्रोड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हैं? हमारे देश के, क्योंकि वो लेस देन 1 ईयर के लिए रह रहे हैं और जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में ही लाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश के जो एम्प्लॉयज हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज उनके द्वारा दिया जाएगा, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें रिसीव होगा। और जो फॉरनर्स के जो एम्प्लॉय हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, उनको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पे करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाई रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड एब्रोड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलरली पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। मीन्स जो उनके रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो इंडिया में रह रहे हैं और जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो जो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव करते हैं और जो हम पे करते हैं उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है वो क्या होता है, सैलरी और वेजेस की फॉर्म में होता है। आपको कंप्लीट इसके बारे में पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। नेक्स्ट थिंग है बेटा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम हो रही है वो हमारे देश के लोगों को फॉरेन कंट्रीज से हो रही है और फॉरेन कंट्रीज को हमारे देश से हो रही है। अब देखो समझो, हमने कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा बिल्डिंग में क्या आ गया, प्रॉपर्टी में क्या आ गया, एक तो बिल्डिंग हो गई, एक हो गई शॉप्स, एक हो गई फैक्ट्रीज और एक हो गई फाइनेंशियल एसेट्स। देखो बेटा प्रॉपर्टी में आ गया हमारी जो भी बिल्डिंग है, शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो इनको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने कैपिटल लगा रखी है तो उसपे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो फाइनेंशियल एसेट्स जो होती है वो क्या होती है बेटा, शेयर बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं। अगर हमारी कंट्री के कुछ पर्सन्स ने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद रखे हैं तो उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं इसमें क्या आता है, एक तो रेंट हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया और एक क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फॉरनर्स यूज कर रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाई रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग होती है बेटा नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, बताया था हमने कि एक तो होता है डिविडेंट, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। तो हमने कहा कि जब डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या आ गया, डिविडेंड किस में आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया डिविडेंड। कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब देखो यहां पे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग है
उसका जो नेट डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, NFIA का कंपोनेंट हो जाएगा। मींस जो नेट रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या है, प्रॉफिट में से डिविडेंड और कॉरपोरेट टैक्स को हटा देंगे तो क्या बचेगी, रिटेन्ड अर्निंग बचेगी। मतलब बिजनेसमैन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लेता है, उसको क्या बोलते हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो हमने कहा इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, जो हमारे देश की कंपनी है जो अब्रॉड में है, और रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट रिटेन्ड अर्निंग रहेगा। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। ओके, तो हमने पढ़ा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी कंपोनेंट्स जो है उसमें तीन चीजें आती है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेज एंड सैलरी आ गया, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आ गया, रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और नेट रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनीज अपने पास रख लेती हैं। ठीक है, ये था आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ओके, और ये कहां पे यूज होता है, जब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो और जब नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना हो। नेक्स्ट थिंग है बेटा, नेक्स्ट थिंग है, हमने कहा लेट्स सपोज, हमने कहा कि फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रोड जो दे रखी है वो अमाउंट दे रखी है 500, और फैक्टरी इनकम टू एब्रोड दे रखी है 300। इसका मतलब इजीली निकल जाएगा NFIA कितना हो गया, फीफा माइनस फीटा, मतलब 500 माइनस 300 इट इज 200। क्लियर, ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो है 250 रुपीज, और जो फैक्टर इनकम टू एब्रोड है दैट इज 620। तो NFIA कैसे निकालेंगे, NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। तो 250 में से अगर 620 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -370 आ जाएगा। ठीक है, ये शो कर रहा है कि हमारी जो टू एब्रोड जो हमने अर्न की वो इनकम कम है, और जो हमने पे की वो इनकम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक केस ये भी बनता है बेटा कि आपके पास जस्ट ये गिवन है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। तो कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा था आपके पास 150, तो इसको आपने जीरो लेट कर लिया, इसका मतलब NFIA कितना हो गया, -50 हो गया। ठीक है, और एक ये केस होता है कि आपके पास दे रखा है फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है आपके पास -150, इट मीन्स NFIA आप कैसे निकालेंगे, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, यहां पे ये माइनस और इनटू -50 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब NFIA कितना हो जाएगा, 150 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपके क्वेश्चंस में रहेंगे, कहीं पे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ओनली दे रखा है, कहीं पे फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है। तो टू एब्रोड अगर होगा तो उसको माइनस कर देंगे, फ्रॉम एब्रोड है तो ऐड कर देंगे, और बाकी देख लेंगे जो भी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये केसेस बनते हैं। इन केसेस से बाहर लगभग कुछ आता नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के ऊपर। हमारा थर्ड चैप्टर
यू है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, दैट्स ऑल।